बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल परदेसी का किचन। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सी जल्दी बनने वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी बना रहे हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल ले ली है। मेरा जो पॉट है वो प्री हीट कर लिया है मैंने। इसके अंदर मैं ये चिकन शामिल कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस चिकन को शामिल करने के बाद मैं जो हूँ इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा ज़्यादा 2 टेबल स्पून डाल दीजिए क्योंकि चिकन ज़्यादा है। इसको डाल के अब मैं इस चिकन को फ्राई करूँगी सिर्फ लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ। जब ये चिकन फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। जी, चिकन जो है हमारा वो तकरीबन हमने 80% उसको डन कर लिया है। अब मैं इसकी जो चिकन की जो बोटियाँ हैं इसको मैं निकाल लूँगी एक अलग से बर्तन में। कुछ लोग चिकन के साथ ही बाकी चीज़ें डाल के उसकी ग्रेवी बनाते हैं। मैं, ये आसान तरीका है बहुत ज़्यादा, इससे आपका चिकन भी ख़राब नहीं होता है और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन जाता है। क्योंकि जब आप मसाला बनाते हैं तो वमन चिकन जो है वो नरम होकर टूटने लगता है। हमारे यहाँ अमेरिका में या बाहर के ममालिक में मैंने तो ये सुना है कि चिकन काफ़ी सॉफ्ट होता है, ये तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है बनने में। इस वजह से मुझे ये तरीका बहुत ईजी लगता है। तो चलिए मैं चिकन को निकाल रही हूँ अलग से। जी, प्याज जो है हमारी वो देखिए उसका कलर चेंज हो गया। हमने इसको जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना है, हमने बस इसको इसका कच्चापन निकाल देना है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये देखिए ऐसे ये हो गई हमारी प्याज। अच्छा, इस स्टेज पे अब जो है मैं डालूँगी, मेरे पास है ये 6 बड़े चौपराइज टमाटर, ये मैं ऐड कर रही हूँ उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऐड कर दी है। मैंने टमाटरों को चॉप इसलिए कर लिया है ताकि ये घुलने में आसान होते हैं। हम इसको अलग से पका के नहीं डालेंगे टमाटरों को। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। जब तक हमारे टमाटर और प्याज थोड़े से भून रहे हैं मैं आपको मसाले दिखा दूँ। ये चिकन क्यूब है जी, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये है गरम मसाला आधी चाय की चम्मच, आधी चाय की चम्मच जो है ज़ीरा है, 1/4 चम्मच लाल मिर्चें हैं, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च है, 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर है, ये सूखा धनिया है 1.5 टेबल स्पून, नमक है हसबे जायका और ये पेपरिका पाउडर है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। कुछ घरों में लोग कम मसाला इस्तेमाल करते हैं, कुछ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे घर में जिस तरह का मीडियम हम लोग मसाला खाते हैं तो मैं उसके हिसाब से डाल रही हूँ। अब ये सारे मसाले जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैं अपने प्याज और टमाटर के साथ मिला दूँगी। और इस मसाले को मुझे इतना भूनना है कि तेल जो है वो अलग हो जाए। ये देखिए ये जो घी है वो हमारे उससे अलग हो गया है सालों से। अच्छा, इस स्टेज पे जो है मैं डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जितना कोई सा भी बाज़ार का चिकन कढ़ाई मसाला जो मिलता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो आप डाल दें, बस 1 ही छोटा चम्मच ये डाल के इसको हिला लें। अगर आपको चटपटी और अच्छी कढ़ाई बनानी है तो, नहीं तो घर के मसालों को और ज़्यादा तेज़ करेंगे आप, फिर मिर्ची ज़्यादा तेज़ डालें और ज़्यादा मसाला डालेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये वजह है। चले जी, ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर मैं डालूँगी जो हमारा चिकन है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। मीडियम हाई पे मेरा फ्लेम है इस वक्त चूल्हे का। ये देखिए मैंने मिक्स कर रही हूँ उसको। अब जब ये चिकन और ये सारा मसाला आपस में मिल जाएगा इसमें मैं थोड़ा सा दही जो है वो मिक्स करूँगी, लेकिन पहले ये अच्छे से भून जाए इसमें। अच्छा जी, इस स्टेज पे अब मेरे पास ये है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जितना ग्रीक योगर्ट, ये मैं डालूँगी इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
और इसको हम जो है वो अच्छे तरीके से हिला लेंगे ताकि दही की जो है वो फुटियाँ नहीं बनेंगी ना इसे। माशाल्लाह दही देखिए मैंने अच्छे से मिलाया है, इसकी कोई भी वो फुटकी नहीं बनी है दही की, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम इसका थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बाद में इसको ढक के बनाऊँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए और फिर देखते हैं कि हम क्या करेंगे। ये देखिए तेल जो है वो घी तेल जो भी डाला है वो बिल्कुल हमारा ऊपर आ जाएगा ऐसे। ये सौंठ का पाउडर है ये मैं डाल रही हूँ इस तरीके से, तकरीबन आपने देख ही लिया 1/4 चम्मच थी बड़ा मुश्किल वो मैंने डाली है। इसके साथ अभी इसी स्टेज पे ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है मेथी खुश्क मेथी है इसको मैं डाल रही हूँ, कसूरी मेथी जिसको बोलते हैं, ऐसे हाथों पे करके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसको डालेंगे और उसके बाद मैं इसको हिलाऊंगी। कसूरी मेथी जो है इससे आप यकीन कीजिए एक तो कलर बहुत अच्छा आता है, दूसरा खुशबू बहुत लाजवाब होती है इसकी, कढ़ाई में या जिस किसी भी चीज़ में आप डालें बहुत मज़ेदार बनेगी। अभी इसका कलर देखिएगा कैसे एकदम खिल जाएगा। यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा अपने फ्लेम को तेज़ करूँगी क्योंकि अब ये बिल्कुल फाइनल है हमारा कलर, आप देखें माशाल्लाह कढ़ाई का कितना ज़बरदस्त आया। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद हैं तो, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। और ये रेसिपी जो है ये बहुत ही ईजी है, सुपर फास्ट है। अगर आप चाहें तो मुर्गी को उसके साथ भून के लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भून के आप रख भी सकते हैं, जब आपको कढ़ाई बनानी हो आप मसाला डालें और उसमें अपना जो है चिकन डाल लें तो आपका खाना रेडी हो जाएगा जल्दी से। बस अभी मैं इसके अंदर जो है डालूँगी हरा मसाला जो होता है हमारा। कढ़ाई बहुत तरीक़ों से बहुत इलाकों में अलग अलग तरह से बनती है, हर घर में अलग तरीके से बनाई जाती है। ये हमारे घर का तरीका है, मुझे इस तरीके से अच्छी लगती है बनानी, मेरी फैमिली इस तरीके से पसंद करती है। इसमें ग्रेवी भी होती है, हम बहुत ज़्यादा खुश कढ़ाई पसंद नहीं करते हैं तो, ताकि अच्छा लगता है थोड़ा खाना। चिकन हमारी बिल्कुल गल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है इसके ऊपर मैं डालूँगी ये ज़बरदस्त किस्म का मेरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक, ये देखें ये मैंने डाल दिया है। और अब इसको हम हिला लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखो, ये देखिए मसाला भी है, ये मसाला भी है सारा। आप इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि कैसी बनी थी। ख़ास तौर पे हमारी सब्सक्राइबर्स जो हैं रुखसाना, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा फिर मुझे बताइएगा। वो फरमाइशें करती हैं, उन्होंने फरमाइश की है गोभी के पकौड़ों की, इंशाल्लाह वो भी मैं किसी दिन बनाने सिखाऊंगी आपको। और अब आखिर में ये जो बचा हुआ मसाला था इसको मैं डाल रही हूँ, चने जी। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सुपर फास्ट जो है चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। बनाएं, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।